नंदिनी रोड मुख्य मार्ग पूरी तरह से जर्जर होकर खस्ता हाल हो चुका है। सड़क पर छोटे बड़े गड्ढों की भरमार हो चुकी है। गड्ढों में डस्ट आदि डालकर भरने की कोशिश बेकार साबित हो चुकी है। सड़क की दोनों ओर की स्थिति दयनीय है। खस्ता हाल सड़क से आवाजाही करते छोटे बड़े वाहन चालकों को, विशेषकर दोपहिया चालक, रात्रि में आए दिन इससे असंतुलित होकर गिरते हैं। मुख्य मार्ग में हुए गड्ढे निर्माण के दौरान हुए लीपापोती की पोल खोल रहे हैं। इसके संधारण को लेकर अब तक कोई पहल शुरू नहीं की गई है। इसका खामियाजा आवाजाही करते लोगों को भुगतना पड़ रहा है। नंदिनी रोड मुख्य मार्ग के समय मुख्य मार्ग में हुए गड्ढे को बंदने ना तो नगर निगम की ओर से पहल की जा रही है, ना ही पीडब्ल्यूडी विभाग की ओर से। आप देख सकते हैं ये नंदिनी रोड मुख्य मार्ग का निर्माण कुछ वर्ष पूर्व कहा जा सकता है किया गया था। पुराना नया नहीं, निर्माण अब आज के वर्तमान समय में आप इसकी स्थिति देख सकते हैं। पूर्व में क्योंकि यह गड्ढा एक छोटा गड्ढा हुआ रहता था, लेकिन लगातार वाहनों की आवाजाही के कारण, भारी वाहनों की आवाजाही के कारण ये गड्ढे लगातार बढ़ते गए। अब स्थिति यह है कि इन गड्ढों में हमेशा पानी भरा रहता है, जिससे आवाजाही करते लोगों को अनेक भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा सड़क के इस ओर के बात के अलावा सड़क के उस ओर भी इस तरह की स्थिति निर्मित है, वहाँ भी गड्ढों की भरमार हो चुकी है। और नगर निगम प्रशासन द्वारा इन गड्ढों का संधारण करने की जगह मात्र खाना पूर्ति की जाती है और अस्थायी रूप से इस तरह से गड्ढों को पाटने का काम किया जाता है। लोग लगातार लोग परेशान हो रहे, जो इन गड्ढों की स्थिति से अवगत है वो तो किसी तरह गाड़ी अपनी वाहनों को साइड से करके निकल चले जाते हैं, लेकिन जो अनजान है जो इन गड्ढों की स्थिति से, उन्हें विशेषकर रात के समय बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वाहनों के चक्के इसमें गड्ढों में फंस जाने की वजह से अधिकांश दोपहिया वाहन चालक रात में अपने वाहनों को सड़क किनारे खड़े करते देखे जा सकते, क्योंकि उनके वाहन पंचर हो चुके होते हैं। इसलिए संधारण की मांग अनेक सामाजिक संगठनों द्वारा या कुछ राजनीतिक दलों द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों को, जिला प्रशासन, नगर निगम प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया, लेकिन स्थिति अभी जस की तस है। प्रशासन की ओर से मात्र आश्वासन ही मिलता आया है। बीच में एक संगठन, सामाजिक संगठन द्वारा, जन जागृति संगठन द्वारा इन सड़कों में बेशरम के पौधों को रोपने का कार्य किया गया था इन गड्ढों में, ताकि प्रशासन इन तो गड्ढों के संधारण को लेकर कुछ कार्य प्रारंभ करे। संगठन के कार्यकर्ताओं की निगम प्रशासन के अधिकारियों से बात भी हुई, उन्हें मात्र आश्वासन मिला, जिसके बाद उस संगठन द्वारा अपने आंदोलन को समाप्त कर दिया गया। इसके बाद ये स्थिति जस की तस है। गड्ढों के कारण लगातार लोग परेशान होते हैं। इसके नगर निगम के जिम्मेदार अधिकारियों की भी आवाजाही, क्योंकि ये मुख्य मार्ग इसे लगातार बने रहती है, उसके बावजूद इन गड्ढों के संधारण को लेकर के किसी तरह की कोई पहल नहीं की जा रही है। गड्ढों की वजह से लगातार जो बढ़ते जा रहे हैं गड्ढे, इन गड्ढों की वजह से कोई बड़ी दुर्घटना हो इसके पूर्व नगर निगम प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारियों को इसके संधारण के लिए ठोस पहल किए जाने की जरूरत है, ना कि इस तरह से रेत मुरुम डालकर के गड्ढों को समतल करने की आवश्यकता है। ग्रैंड एशिया न्यूज़ के लिए कैमरामैन अभिषेक के साथ संजय दुबे।